नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले अपील यही है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से बचाव में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए हमने एक मुहिम भी चलाई है, हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। और एक बार फिर से आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने अगर कोरोना से बचाव चाहिए। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां अगले कुछ दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक 2019 के बाद जल्द ही पहली बार कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। न्यूज 18 ने 10 दिन पहले ही यह खबर बताई थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, और अब इस पर मोहर लग सकती है। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी है 53 मंत्री और 81 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में कई पद अभी खाली है, और ऐसे में कैबिनेट का हो सकता है विस्तार, केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले कुछ दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक 2019 के बाद यह पहली बार है जब कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। हमने 25 दिन पहले ही ये जानकारी दी थी, 25 दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी, और उस पर मोहर लगती दिख रही है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। इस पर मोहर लग सकती है। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी 53 मंत्री हैं और 81 मंत्री तक हो सकते हैं। ऐसे में कई पद अभी भी खाली हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से, तो वहीं दूसरे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सबसे पहले अमिताभ जी, आपके पास आते हुए क्या खबर मिल पा रही है? कवायद चल रही है, उससे अटकलें लगाना बेहतर होता है कि सरकार कुछ फेरबदल की तैयारी में है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन जो सबसे पहली बात है, मैं सबसे ज़्यादा जिसको हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है प्रधानमंत्री मोदी का एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। वो कब क्या कदम उठाने वाले हैं आखिरी दम तक पता नहीं चलता, जब तक वो ऐलान न कर दें कि ये ऐसा होने वाला है। इसलिए जो भी है अटकलबाजियां हैं, क्योंकि पिछले और अटकलबाजियों को इसलिए हवा मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले एक महीने में तमाम मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की है, साथ ही साथ संगठन के स्तर पर और शीर्ष मंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री की चर्चा हुई है, और कई राज्यों से जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको यहाँ दिल्ली में लाकर जगह देनी है कैबिनेट में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ चुनाव है, वहाँ भी कई जो छोटी पार्टियाँ रीजनल पार्टियाँ हैं उनके साथ भी समन्वय करके उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देनी है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर जो पहले भी जेडीयू जैसे 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 जो 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 उनके सहयोगी दल हैं उनको भी जगह अभी तक नहीं मिल पाई थी पिछले 2 साल में, उनके लिए भी कुछ ना कुछ जगह हो सकती है। तो पीछे आपको याद होगा पहले टेन्योर में प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल एक कैबिनेट का रिशफल किया था और नए लोगों को, नए चेहरों को मौका दिया था। तो मुझे लगता है कि नए चेहरों को मौका देने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी चेहरे शामिल हो सकते हैं इसमें। सर्बानंद सोनोवाल जैसे लोगों को जगह मिल सकती है, जो मुख्यमंत्री आसाम थे, जो जिन्होंने आसानी से सत्ता परिवर्तन में काफ़ी साथ दिया सरकार का, नए मुख्यमंत्री का। ज्योतिरादित्य सिंधिया आ सकते हैं, लेकिन नामों पर फिलहाल हम अटकलें नहीं लगाएंगे। लेकिन इतना जरूर साफ है कि बहुत ही जल्दी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं और साथ ही साथ कई मंत्रियों के सर पर काम का बोझ, क्योंकि अतिरिक्त मंत्रालय उनके पास हैं, काम का बोझ भी बहुत ज्यादा है। विक्रांत, वहां क्या हलचल इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल कयास तो काफी दिनों से लग रहे थे कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और अब इस तरीके की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी तक कोई, जैसा अमिताभ बता रहे थे कि जब तक पीएम का एक जो सरप्राइज एलिमेंट रहता है वो हर चीज में रहता है, तो इसमें भी, क्योंकि एक बड़ी खबर होती है कैबिनेट एक्सपेंशन किसी भी सरकार के लिए, तो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इस तरीके की कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्द ही ऐसा हो सकता है, तो जल्द ही देखने को मिल सकता है। और कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है, मंत्रालयों का कामकाज काफी ज्यादा है, और अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी एक तरह से रिपोर्ट कार्ड समीक्षा की थी उनके उनके मंत्रालयों की, तब भी ये बात कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों के पास अतिरिक्त प्रभार इतना ज्यादा है कि उसे कुछ कम करने की जरूरत है। और कई ऐसे साथी हैं, सहयोगी दल हैं, जिनका अभी तक पूरा एनडीए के साथी हैं, जिनको अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सका था, उनको शायद अब किया जाएगा, जैसे जेडीयू का अभी तक नहीं हुआ था। और ये मोदी सरकार
का जो दूसरा कार्यकाल है उसका पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, इसलिए इस पर काफी नजरें भी लगी हुई हैं। और अगला साल जो है वो पूरी तरीके से चुनावी साल है, कई बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत चुनाव होने हैं, तो उसको देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उसकी भी एक झलक दिखाई देगी। और उसके बाद क्योंकि अगला साल का जो चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है, उनको देखते हुए, उनको नजर में रखते हुए, और आगे अगले दो साल काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं उसके बाद के, क्योंकि फिर सरकार लोकसभा के आम चुनाव की तरफ जाने की तैयारी करेगी। तो एक तरह से सरकार के कामकाज का पूरा इसी पर सब टिका रहेगा, किस तरीके से विस्तार होगा। और कई ऐसे संभावित चेहरे हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री का, और जब आधिकारिक रूप से जानकारी आएगी तभी उस पर कुछ कहा जा सकता है, उससे पहले केवल कयास ही लगाए जा सकते हैं। लौट रहे विक्रांत आपके पास। अमिताभ जी, मंत्रिमंडल में फेरबदल में क्या आधार होगा? देखिए, आधार एक तो मुझे लगता है युवा चेहरों को तरजीह मिलेगी, राज्यों को, उन राज्यों को अभी देखा जाएगा किन राज्यों का प्रतिनिधित्व कैबिनेट में अब तक रहा है और किन को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। साथ ही साथ चुनाव में जो राज्य जाने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, जहां कहते बार बार यही कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर ही खुलता है, तो मुझे लगता है वहाँ से भी काफ़ी बड़ी संख्या में रिप्रेजेंटेशन लोगों को मिलने वाला है, वहाँ से भी कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं पार्टी में। हाँ, एक बात और है, प्रधानमंत्री ने अगर परफॉर्मेंस की सबसे रिपोर्ट ली है, सबकी व्यक्तिगत रूप से सबके काम की समीक्षा की है, तो हो सकता है कि कईयों के काम से वो नाखुश भी हो, तो उधर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है, कुछ चेहरे हट सकते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज जिसे कहा जाए, एक समन्वय होगा चुनाव में जाने वाले राज्यों का, उनकी प्रतिनिधित्व उनका बढ़ेगा, और सहयोगी दलों का भी इस बार मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में काफ़ी जगह मिलने वाली है। विक्रांत, किन राज्यों को तरजीह दी जा सकती है? देखिए, चुनावी राज्य क्योंकि बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को तरजीह मिलेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सहयोगी दल हैं जो बीजेपी के, उनको शामिल किया जा सकता है। जेडीयू को पिछली बार शामिल नहीं किया गया था और वो शामिल नहीं हो पाए थे, तो इस बार जेडीयू का प्रतिनिधित्व भी देखने को मिल सकता है। असम से जैसे हम कह रहे हैं कि पिछले जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सत्ता परिवर्तन में और उसके बाद जब नए मुख्यमंत्री बने तो पूरा जो ट्रांजिशन का काम था बहुत स्मूथली हुआ, तो उनको अब केंद्र में ला करके दोबारा से यहां पर भूमिका दी जा सकती है। पहले भी खेल मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिनके बारे में लंबे समय से कयास लग रहे थे, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या बाकी लोग हो, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि उनको जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें जगह मिल सकती है। बिहार से भी कुछ ऐसे ही नाम है, जैसे सुशील मोदी का नाम कई बार इस मामले में आ रहा है कि उनको जब उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर दो नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो कहा जा रहा था कि उनकी केंद्र में भूमिका तय की जाएगी और उसके बाद उन्हें यहां पर लाया भी गया था, सांसद बनाया गया था। तो कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं, और साथ साथ जो चुनावी राज्य हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल निगाह में रहेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और जो परफॉर्मेंस की बात है वो निश्चित तौर पर एक पैमाना जरूर रहेगा, क्योंकि मंत्रियों के कामकाज का पूरी समीक्षा एक तरह से की है प्रधानमंत्री ने, और बहुत ही बारीकी से समीक्षा हुई है, कई दौर की लंबी बैठकें चली हैं, तो उसमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अमिताभ जी, लेकिन इस फेरबदल की तैयारी कब से हो रही है? देखिए, तैयारी बंगाल चुनाव के बाद से ही हो रही थी, क्योंकि नज़र उत्तर प्रदेश पर भी थी, चार पांच राज्यों में, जो पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, मणिपुर में भी चुनाव होने वाले हैं, पांच राज्यों के चुनाव काफ़ी मायने रखते हैं, इसलिए इन राज्यों के चुनाव की तैयारी, और 2024 के लिए भी दो साल से कैबिनेट रिशफल हो नहीं पाया था, नए लोगों को जगह नहीं मिल पाई थी, पुराने लोगों के काम की समीक्षा नहीं हो पाई थी कोरोना के कारण, सब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, खुद प्रधानमंत्री मोदी और पूरा का पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा था, लड़ रहा था। ऐसे में कोरोना के समय कैबिनेट एक्सपेंशन या कैबिनेट रिशफल असंभव था। आपको याद होगा 2014 में सरकार बनने के बाद 15 में भी कैबिनेट का विस्तार हुआ था, 16 में भी हुआ था, 17 में भी हुआ था, विस्तार भी हुआ था, लोगों की छटनी भी हुई थी और काफ़ी नए चेहरे जुड़े भी थे। इसलिए इस बार दो साल मुझे लगता है थोड़ा विलंब हो गया कोरोना के कारण, और लेकिन इस बार जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों को, उत्तर प्रदेश को खासकर बड़ी जगह मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में अपना दल है, निषाद पार्टी है, छोटे छोटे दल राजभरों की पार्टियां हैं, तो जिस तरह से पिछली बार जिन दलों के साथ बीजेपी ने समझौता किया था उन दलों को भी मुझे लगता है जगह मिलने वाली है। तो अभी ज़्यादा अटकलें लगाना, मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री के अगले कदम के बारे में अटकलें लगाना काफ़ी मुश्किल और दुष्कर असंभव काम होता है, लेकिन जो 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 दिशा जिस तरफ बढ़ रही है मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा लेकर संगठन के स्तर पर बैठकों को लेकर, मुझे लगता है कि अब ये जल्दी ही कुछ चंद दिनों की ही बात है। अब
विक्रांत, मंत्रिमंडल फेरबदल के बाद आगे क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, काफी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि उसके तुरंत बाद जो है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, तो निश्चित तौर पर सरकार के कामकाज का एक बड़ा पैमाना होता है केंद्र सरकार का, और उसके बाद अगले लोकसभा चुनाव की भी तैयारी। तो एक तरह से सरकार का जो पूरा कामकाज होगा, जो रिपोर्ट कार्ड होगी, उसमें पूरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अलग अलग मंत्रालयों की। तो पूरी समीक्षा भी इसी उद्देश्य से की गई थी, और इस बार निश्चित तौर पर कोरोना के कारण थोड़ा देरी भी हुई, क्योंकि कोरोना के समय पूरा देश जो है कोरोना में लगा हुआ था। सरकार की पूरी कोशिश थी कि पहले कोरोना संकट से बाहर निकला जाए, और 2 कोरोना की वेव देश ने देखी, और दूसरी वेव में काफी खतरनाक सामना भी करना पड़ा स्थितियों का। उन सब से निकलकर अब चूंकि स्थितियां सामान्य की तरफ होती दिखाई दे रही हैं, कोरोना भी अब देश के कुछ ही चुनिंदा जिलों में रह गया है जहां पर उसकी पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से अधिक है। तो एक तरह से अब कंट्रोल्ड सिचुएशन में हम आ गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो लंबे समय से बहुप्रतीक्षित था कैबिनेट का ये विस्तार, ये अब होने वाला है, और कहा ये जा रहा है कि बहुत जल्द ये होता हुआ दिखाई दे जाएगा। शुक्रिया विक्रांत, शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। तो जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है, अभी 53 मंत्री 81 तक हो सकते हैं।